हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साहिब। आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट प्राइमर। कि प्राइमर आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइमर क्या होता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मींस कि उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्राइमर क्या होता है और प्राइमर को क्यों लगाना जरूरी है और प्राइमर किस किस टाइप में आते हैं और आपकी स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा बेस्ट होता है। और हाँ, मेन बात कि हमें DIY प्राइमर यूज करना चाहिए या फिर मार्केट से लिया हुआ प्राइमर यूज करना चाहिए। दोनों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। मार्केट से जो आता है वो भी आपको काफी कॉस्टली पड़ जाता है, बट बहुत सारे अच्छे जो ब्रांड्स हैं, जाने माने ब्रांड्स के बहुत अच्छे प्राइमर भी आते हैं। और वहीं एक तरफ हम बात करेंगे कि DIY प्राइमर की, अगर आप DIY प्राइमर बनाते हो, और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से DIY प्राइमर बना सकते हो घर पर भी, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होगा, बिल्कुल आपकी बजट फ्रेंडली होगा, पॉकेट फ्रेंडली होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में ही मैं आपको DIY बनाना बताने वाली हूँ। तो और इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स सारे क्लियर करेंगे कि क्यों प्राइमर लगाना चाहिए, क्यों जरूरी है प्राइमर लगाना, और मैंने जैसे बताया कि कितने कितने टाइप्स के आते हैं, क्रीम बेस्ड, जेल बेस्ड, और कौन से स्किन टाइप्स वालों को कौन सा प्राइमर लेना चाहिए, ये सारी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, यानी कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि प्राइमर होता क्या है, मींस कि प्राइमर क्या है। प्राइमर, जैसे कि मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ, सॉल्यूशन नहीं, मतलब आपको उदाहरण के तौर पे एक बता देती हूँ कि एग्जांपल कि आप, जैसे कि आप देखते हो कि पेंट अगर होता है किसी भी घर में, या आपके घर में पेंट हुआ, सबके घर में होता है यार, तो पेंट अगर होता है तो उसके पहले जो पेंटर बाबू हैं वो लगाते हैं कुछ सॉल्यूशन पेंट करने से पहले। वो भी होता है कि प्राइमर होता है, सॉल्यूशन मतलब पेंट वाला प्राइमर होता है, उससे क्या होता है कि जो आपका पेंट होगा वो बहुत ज्यादा भर के आएगा उसका कलर, और देन आपका जो पेंट होगा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा, ऐसे पपड़ी पपड़ी टाइप नहीं होगा। उसके पहले भी एक व्हाइट टाइप का वॉल पुट्टी लगाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो मेकअप प्राइमर है वो भी इसी तरीके से काम करता है आपके फेस के ऊपर, यानी कि आप लीपापोती करोगे, लीपापोती नहीं, मेकअप लगाओगे, तो उसके पहले अगर आप प्राइमर का यूज करते हो तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा और आपके जो भी पोर्स होते हैं उनको क्लोज कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिशिंग मिलेगी जो कि आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे उसकी। नेक्स्ट हमारा है दूसरा पॉइंट कि हमें प्राइमर लगाना जरूरी क्यों है। प्राइमर लगाना हमें इसलिए जरूरी है जो कि बहुत सारे गर्ल्स नहीं लगाती है। फर्स्ट हमारा होता है CTM रूटीन, राइट। CTM रूटीन आपको जरूर करना होता है, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद ही आप अपना कोई मेकअप अप्लाई करो, या फिर उसके पहले आप सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहते हो, उसके बाद ये सब करने के बाद वो सारे स्टेप्स आएंगे। सनस्क्रीन के बाद आपको लगाना है प्राइमर, मेकअप की जो फिनिशिंग आएगी उससे बहुत ज्यादा स्मूथ आएगी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया। लेकिन प्राइमर हमें लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो पोर्स है वो उनको आपको क्लोज कर देगा और आपका जो मेकअप है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा। ऐसे नहीं कि मतलब एक दो घंटे के बाद वो बह जाएगा, अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा मैसी लगने लग जाएगा। तो इसलिए हमें आपको प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है अपने स्किन पे कोई भी मेकअप करने से पहले। और फाउंडेशन लगाते हो तो उसकी कम क्वांटिटी भी वो लेता है अगर आप प्राइमर अप्लाई करते हो। तो मेन है कि आपको टी जोन एरिया पे अपने प्राइमर अप्लाई करना है, टी जोन एरिया मीन्स इस वाले और इस वाले एरिया में, क्योंकि जो मैक्सिमम पोर्स होते हैं हमारे फेस के ऊपर, ओपन पोर्स होते हैं, वो इस साइड पे होते हैं, और आपको इस यहाँ पे एरिया पे ज्यादा लगाना है, टी जोन एरिया पे, जिसके स्वेटिंग ज्यादा होती है, ऑयली स्किन है उनके, यहाँ पे नोज के एरिया पे आपको ज्यादा लगाना है ताकि आपके जो पोर्स है वो सारे क्लोज हो जाए, आपका जो मेकअप आए वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे, इसलिए हमें प्राइमर लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर कि हमें कौन सा प्राइमर लेना चाहिए। यार सबके मन में डाउट होता है कि हमारे स्किन टाइप्स कैसी है, हमें कौन सा प्राइमर लगाना चाहिए, और कोई भी गलत प्राइमर भी उठा लेते हैं, लेकिन हर किसी की स्किन टाइप्स अलग होती है, तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर यूज करना चाहिए, भले ही वो आप मार्केट वाला कर रहे हो या फिर DIY वाला कर रहे हो। DIY वाला मैक्सिमम हर स्किन टाइप्स के लिए सूट हो जाता है एक बार, क्योंकि उसमें इंग्रीडियंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने उसमें क्या डाला है या हम बना रहे हैं उस तरीके से। लेकिन आप नहीं जानते हो जो बाहर के मार्केट के प्राइमर है उसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स हैं, आप पढ़ सकते हो उसमें, जरूर पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है कि हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन टाइप्स वाले के लिए, और कितने टाइप्स के होते हैं पहले तो वही मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जो मतलब चलन में है अभी, जेल बेस्ड होते हैं प्राइमर, राइट, क्रीम बेस्ड होते हैं मीन्स की टिंटेड टाइप जो होते हैं, और एक सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। ये तीन टाइप के जो प्राइमर है वो ज्यादा फेमस ऊपर टॉप के लेवल में है, तो इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि वो आप जेल बेस्ड प्राइमर लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, आप कोई सा भी मतलब लगाओ। लेकिन सेकंड हम ऑयली स्किन वालों के लिए बात करते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए जेल बेस्ड में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज ऑलरेडी उनके फेस के ऊपर ऑयली ऑयली सा कर देगा। उनके हिसाब से जो बेस्ट रहेगा वो ये है कि आप क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करें। क्रीम बेस्ड जो होता है आपके मेकअप को भी बहुत मैट फिनिश देगा, जिनका ऑयली स्किन होता है उनको, और बहुत आपका मेकअप
भी सटल सा लगेगा, बिल्कुल भी ऑयली टाइप नहीं लगेगा। जेल बेस्ड प्राइमर में आपके पास आ जाते हैं जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें आप जो प्लांट एलोवेरा जेल होता है आप उसका भी यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाओ का मैंने परचेस किया था, वाओ का स्किन साइंस का 99% ये प्योर एलोवेरा जेल है, आप चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, मीन्स की डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो। हम सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर की बात करें तो उसमें मेरे पास यहाँ पे है इनफॉलेबल का, एमन इनफॉलेबल का ये मैटिफाइंग बेस प्राइमर जो कि सिलिकॉन बेस्ड है, और ये कुछ इस तरीके का है जो कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया था। आप चाहो तो इस तरीके का भी प्राइमर यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल स्किन टाइप्स वाले हैं वो यूज कर सकते हैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर। इसके अलावा मींस की DIY प्राइमर कैसे बना सकते हो वो, और या फिर आप एलोवेरा जेल यूज करो, उसके अलावा भी एलोवेरा जेल ना हो यार किसी के पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लिसरीन, तो हर किसी के पास होगा ना राइट, ग्लिसरीन आप यूज कर सकते हो एज अ प्राइमर ये आपकी जेल बेस्ड में। जो सिलिकॉन बेस्ड है मीन्स की मार्केट से आप परचेज करोगे प्राइमर तो वो तो मार्केट वाला ही होगा ना, मीन्स वो यही वाला आप यूज कर सकते हो, या फिर एक कलर बार का प्राइमर आता है वो 800 रुपीज का आता है, 800 to 850 रुपीज का आता है, जो कि बेस्ट प्राइमर है कलर बार का, वो आप यूज कर सकते हो, वो कॉस्टली परचेज नहीं कर सकते हो। देन हम चलते हैं अपनी DIY मेकिंग के ऊपर की DIY हम प्राइमर कैसे बना सकते हैं घर पर ही, चलिए स्टार्ट करते हैं DIY बनाना। सबसे पहले DIY प्राइमर बनाने के लिए आपको जो जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, तो मतलब ज्यादा भी इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी आपको, 3 to 4 इंग्रेडिएंट्स में काम बन जाएगा आपका, मीन 3 से 4 चीजों में काम बन जाएगा, ज्यादा चीजें की भी जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों की भी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेंगे एलोवेरा जेल, जो कि मस्ट है कि एलोवेरा जेल आप उसमें डालो, अगर आपकी ड्राई स्किन है ठीक है तो आप उसमें ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन एलोवेरा जेल ज्यादा बेस्ट वर्क करता है एज अ प्राइमर अर्निंग के लिए, यानी कि गुलाब जल आपको मिलाना जरूरी होगा उसमें DIY में। देन आपका जो है मॉइस्चराइजिंग के लिए हम जो इसमें क्रीम मतलब डालेंगे DIY में, उसके लिए पे मैं यूज कर रही हूँ नेविया सॉफ्ट की लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम, जो कि फेस क्रीम है, एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम वर्क करेगी बहुत बेस्ट। देन इसमें हम एक और ऐड करेंगे जो चीज है वो विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई का कैप्सूल आप इसमें ऐड कर सकते हो, या फिर अदरवाइज मतलब या फिर अदरवाइज एक ही होता है तो उसके हिसाब से आप ये ग्लिसरीन भी यूज कर सकते हो। इन सबको मिक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक खाली कंटेनर। अब मैं आप मैंने लिया है छोटा सा एक कंटेनर, जो इसको आप स्टोर करके रख सकते हो 1 वीक से ज्यादा, यानी कि 15 डेज के अंदर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इसमें फर्स्ट हम क्या डालेंगे, इसमें हम एलोवेरा जेल डालेंगे, 4 ड्रॉप्स में इसमें डालूंगी, ज्यादा हो गया लग रहा है, जितना आप अपने हिसाब से डाल सकते हो उस हिसाब से आप डालो। लाइट मॉइस्चराइजर का मैं यूज करने वाली हूँ, मॉइस्चराइजर क्रीम का, तो ये वाला मैं इसमें डालूंगी कुछ इतनी क्वांटिटी में, और अपने दिख रहा है क्या आप लोगों को, और इसमें मैं मिक्स करूंगी इसको। तो यहाँ पे मैं डाबर गुलाबरी का गुलाब जल इसमें ऐड करूंगी, रोज वाटर, तो मैं 3 से 4 ड्रॉप इसमें मिक्स करूंगी ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो कुछ अच्छी सी बन जाए। देन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी विटामिन ई का कैप्सूल, और इसकी जो भी क्वांटिटी होगी वो इसमें मैं डाल लूंगी। देन इसके बाद इन सभी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप देख सकते हो पूरा मिक्स करने के बाद दिख रहा है कि आपको व्हाइट व्हाइट, तो ये कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आपकी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, आपको दिखा भी देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी आपको किस तरीके से दिखेगी, और अपने हाथ पे लगा के थोड़ा सा क्वांटिटी में आपको लेना है और अपने हैंड्स पे कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को भी मॉइस्चराइज करेगा ये। और एलोवेरा जेल हमने इसमें लगाया है तो आपका जो मेकअप है उसको लॉन्ग लास्टिंग बना के रखेगा। आई होप आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो चुकी होंगी। इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को स्टाइल विद साहिबा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और अपने फ्रेंड्स का शेयर भी कर देना जरूर। बाय बाय।